जी टीवी का शो भाग्य लक्ष्मी इन दिनों काफी चर्चाओं में बना हुआ है। शो में 7 साल का लीव लोगों की एक्साइटमेंट का कारण है। सभी जानना चाह रहे हैं कि क्या आखिर अब कैसे लक्ष्मी और ऋषि की राहें दोबारा टकराएंगी। शो में इस लीव के साथ ऋषि और लक्ष्मी अपने अपने बच्चों के साथ जिंदगी को आगे जी रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि एक नई एंट्री लक्ष्मी की जिंदगी में ग्रहण लगाने वाली है। जी हां, दरअसल शो में एक नई खलनायिका की एंट्री होने जा रही है, जो शो के करंट ट्रैक को अपनी चालाकियों से और भी ज्यादा दमदार बनाएंगी। दरअसल शो में कृतिका खीरा एंट्री करने जा रही हैं, जो इस शो से पहले एकता के ही शो ये है चाहते में भी नजर आ चुकी हैं। कृतिका शो में लीड हीरो रोहित सुजानती के ऑन स्क्रीन भाई की पत्नी की भूमिका निभाएंगी, जो कि नेगेटिव शेड में होने वाली है, और उनका मुकाबला ऐश्वर्या खारे से होगा। यानी कि साफ है कि ये नया किरदार लक्ष्मी पर खूब भारी पड़ने वाला है। कृतिका ने एक पोर्टल से बातचीत में बताया कि ये है चाहते कि क्रिएटिव टीम ने मेरे काम की सराहना की और मुझे अपने ऑनगोइंग शो भाग्य लक्ष्मी में कास्ट करने का फैसला किया। कृतिका अपनी एंट्री को लेकर बताती हैं, मैंने कुछ दिन पहले ही शॉर्ट्स के बीच तालमेल बैठाते हुए शो के लिए ऑडिशन दिया था। ये है चाहते में मेरा ट्रैक समाप्त हो जाएगा, जिसमें मेरे पति आदित्य मुझे मार देंगे और मैं कल भाग्य लक्ष्मी की शूटिंग शुरू करूंगी, जो 7 साल का लंबा लीप लेने जा रहा है। भाग्य लक्ष्मी में अपने नए किरदार को लेकर कृतिका ने खुलासा किया कि शो में मुझे विपरीत स्पेक्ट्रम का पता लगाने का अवसर मिल रहा है। मेरा किरदार दुष्ट है, जो लगातार नायक के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। साफ है कि कृतिका लीप के बाद की असली दुश्मन होंगी, लेकिन देखना यह है कि ये नई खलनायिका कैसे ट्रैक में धमाल मचाएंगी, कमाल करेंगी।